सभी को जोहर। मैं चामी मुर्मू झारखंड से। मैं ग्रामीण क्षेत्र से बहुत ये से ही शुरू किया है। उतना लंबा कहानी तो पता नहीं है, थोड़ा सा ये मैं बता रहे हैं कि आईटीआई में जब एक ठो पटामदा में महिला सम्मेलन हुआ था, तो उस समय हम लोग मैट्रिक लिख करके कुछ महिला लोग ऐसी पड़े हुए थे, तो वहाँ हम लोग को बुलाया गया था 10 महिला। तब जब हम लोग प्रोग्राम में गए, देखे थोड़ा बहुत, उसके बाद हम लोग अपने क्षेत्र लौट के हम लोग अब बैठक करने के लिए शुरू किए महिला लोग के साथ। तो फिर गांव वाला में बहुत विरोध किया कि महिला लोग क्या बैठक करेगी, गाड़ी में कहीं जाते हैं तो बैठक करने के लिए तो वहां भी नहीं बैठने देते थे। तो फिर हम लोग सोचे कि नहीं, हम लोग पैदल ले जाते हैं। जो जो गांव में जिस हम लोग जितना 10 महिला थे, पहले हम लोग 10 गांव में बैठक किए। उसके बाद हम लोग अपना अपना ये करके चित्रा में कहाँ करेंगे, पैदल हम लोग घूमने लगे। तो फिर बैठक करते करते 89 में वो सीडा का प्रोग्राम था, तो उस समय हम लोग वहाँ बनपाल था, उससे हम लोग संपर्क किए। हम लोग कुछ काम करके दिखाना चाह रहे थे कि बैठा करते रहने से तो हम लोग का ये नहीं होगा, तो 1 लाख नर्सरी करने के लिए दिए हम लोग को। तो खुद हम लोग मिट्टी ये किए, पॉलिथीन भरे, बीजा डाले, पानी डाल डाल के बड़ा किए। तो फिर वही सीधा ये बोल रहे थे कि आप लोग अपने ये में क्षेत्र में पौधा लगवाइए। तो किसान तैयार नहीं होते थे कि हम लोग अगर पौधा लगाएंगे तो सरकार जमीन ले लेगा, उस तरह से ये करके फिर हम लोग समझा समझा के हम लोग 1 लाख पौधा उस क्षेत्र में लगवाए। उसके बाद ये करके फिर बैठक जारी रहा हम लोग का। करते करते हम लोग जिस जमीन में वो लोग खेती नहीं कर पाते थे, वही खेत जमीन सब हम लोग खेती करते थे, वही खाते थे हम लोग, और अपना गांव में बैठक के लिए जारी रखते थे। और उसके बाद फिर हम लोग को 95 में उस समय डीआरडीए का प्रोग्राम चल रहा था, उस समय वानिकी का काम दिया था हम लोग को 5 लाख का। उस समय भी हम लोग अपने से तैयारी किए, पौधा तैयार किए, अपने से ही हम लोग जितना बन पाए, और ये करके हम लोग अपने क्षेत्र में राजनगर ये में जितना भी बंजर भूमि था सभी में हम लोग लगाए, किसान का भी लगाए, अच्छा पौधा हुआ, अच्छा ये करके बाद में हम लोग सब ये करके नहीं ये लोग कर पाएंगे बोल करके बाद में महिला लोग के साथ बैठने देती थी। और कुछ काम भी शुरू करने के लिए हम लोग को मौका मिला, उस तरह से बाद में डवाकरा का ग्रुप ये आया, तो उस समय हम लोग महिला को डवाकरा ग्रुप से जोड़े। जैसे उस समय बकरी पालन का और मशरूम का ये था प्रोजेक्ट था, तो महिला लोग को जोड़े। उसके बाद ये करके हम लोग अभी विभिन्न ये से नाबार्ड से भी हम लोग जोड़े महिला लोग को, अभी मुर्गी पालन, बकरी पालन और सुअर पालन, हर तरह का अपना कोई मुड़ी बना के बेच रही है ग्रुप लोग। अभी हम लोग अपना सरायकेला जिला में 2800 ग्रुप है, करीब 30,000 महिला लोग जुड़ी हुई है उसमें। हाँ 2800 है, मतलब उसमें करीब आपको 10 से 15 के बीच में महिला लोग हैं उस ग्रुप में, एक ग्रुप में तो पूरा 30,000 हो जाएगा लगभग उस तरह से ये करके। और अभी जंगल ये में भी हम लोग कम कर रहे हैं अभी। उसके बाद जो खेती सब्जी खेती भी करती है और घर गांव में चावल ये जो धान खरीदती है चावल बना के बेचती है, उस तरह से अपना स्वरोजगार के लिए हम लोग काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में महिला लोग को। और अभी 2000 में इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ, और अभी जारी है हमारा क्षेत्र में जितना बन पा रहा है महिलाओं के साथ है और काम कर रहे हैं। और आज बाल विकास मंत्रालय आज हमको यहाँ आने का मौका दिया और इस ये में चुना, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। बधाई हो। हाँ कुछ बताओगे? हाँ।